पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, शिक्षित होंगे, शिक्षित होंगे और एक दिन बड़े अफसर बनेंगे। नमस्कार, आज की सबसे बड़ी खबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सवारे गए छोटी सी भीमा का जीवन, जाने कब शुरू होगा ये सीरियल। बता दे कि एंड टीवी एक नया सीरियल भीमा शुरू करने जा रहा है, जो एक छोटी सी लड़की की बड़ी कहानी है, जिसमें भीमा के अंधकार से अधिकार तक की अनूप यात्रा को दिखाया जाएगा। शो में भीमा का किरदार तेजस्विनी सिंह ने निभाया है, जिसके सामने परिवार और आर्थिक समस्याएं हैं, लेकिन छोटी उम्र में भी वह ऐसा कुछ करती है कि सभी दंग रह जाते हैं। कहानी में दिखाया है कि कैसे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भीमा की इस यात्रा में किस तरह उसके सहायक बनते हैं। एंड टीवी का नया शो भीमा 80 के दशक की पृष्ठभूमि पर बना है। राज खत्री प्रोडक्शन ने इसका निर्माण किया है। इसमें भीमा नाम की एक लड़की की कहानी दिखाई गई है, जो किसी दूसरी जाति से ताल्लुक रखती है। यह एक लड़की की दुविधा और समान अधिकारों को लेकर उसके सफर को दिखाता एक सोशल ड्रामा है। दर्शकों को शो में इस लड़की के साहसिक सफर की कहानी देखने को मिलेगी, जिसमें वह अपने परिवार, समाज और आर्थिक हालातों का सामना करती नजर आती है। काफी अन्याय और भेदभाव झेलने के बावजूद वह बड़ी ही बेबाकी से उन परेशानियों को पीछे छोड़ देती है। ढेर सारी चुनौतियों के बावजूद भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के कानूनों और आदर्शों को बनाए रखना भीमा के अटूट विश्वास को दिखलाता है। इस शो में तेजस्विनी भीमा, सीमता संभाले भीमा की मां धनिया, अमित भारद्वाज भीमा के पिता मेवा, नीता मोहिंद्रा कैलाशा बुआ और मयंक मिश्रा और विक्रम द्विवेदी उसके दो बेटों कलिका सिंह और विशंबर सिंह की भूमिका निभाएंगे। वहीं त्रिपुरारी यादव भीमा के मामा और नेहा शर्मा उनकी पत्नी कुलमतिया की भूमिका में होगी। इस शो को राज खत्री प्रोडक्शन ने बनाया है। यह शो सोमवार से शुक्रवार एन टीवी पर रात 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। भीमा के बारे में एन टीवी के बिजनेस हैंड विष्णु शंकर ने कहा, हमारे नए शो भीमा की चुनौतियां और जीत दर्शकों को अपनी जैसी लगेगी और उसकी कहानी प्रेरक तथा प्रासंगिक होगी। इससे एक ताकतवर नजरिया भी मिलेगा। भीमा के लेखक शांति भूषण ने कहा, यह सोशल ड्रामा 1980 में उत्तर प्रदेश की ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित है और इसे कलात्मक रुझान के साथ बनाया गया है। इसके अलावा भीमा में अपने टाइटल रोल के बारे में बात करते हुए तेजस्विनी सिंह ने कहा, भीमा हिम्मती है और उसमें पढ़ाई करने की लगन है। वह कई मुश्किलों का सामना करते हुए भी सच्चाई के साथ खड़े रहने पर यकीन रखती है। इस शो से हर दर्शकों को चुनौतियों को पार करके पढ़ लिख कर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BH News Network।